हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जन्माष्टमी आने वाली है। जन्माष्टमी की तैयारी जोर शोरों से चल रही है। सब कोई कुछ ना कुछ रेसिपी बना रहे हैं कृष्ण भगवान को खाने के लिए। तो चलिए, आज हम एकदम न्यू और बहुत ही टेस्टी न्यू तरह की रेसिपी बनाएंगे, जो कि नारियल का बुरादा डालेंगे और तुलसी पत्ता डालेंगे। थोड़ा नहीं डालेंगे, तुलसी पत्ता खूब सारा हम डालेंगे। बहुत ही एकदम यूनिक रेसिपी है फ्रेंड्स। कृष्ण भगवान का हम यदि प्रसाद बनाएंगे तो तुलसी के पत्ता के बिना वो अधूरा रहता है। चाहे हम कुछ भी बनाएं, लेकिन उसमें तुलसी पत्ता जरूर डालते हैं। क्यों ना हम इस तुलसी पत्ते का ही कुछ रेसिपी बना लें, जो कि तुलसी का पत्ता डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम एक कटोरी नारियल का बुरादा ले लिए हैं और अच्छे से इसको हम कुछ देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा नहीं, मतलब फ्राई करना है इसको, बस एक आध मिनट तक ही करना है। देखिए, हमारा ये अच्छे से फ्राई हो गया है। हम इसको अब निकाल लेंगे, ठंडा होने देंगे थोड़ी देर इसको हम। मेरी रिक्वेस्ट है, आप सबसे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और हाँ, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए, हमारा ये नारियल का बुरादा अच्छे से फ्राई हो गया है और इसको हम ठंडा होने के लिए किसी भी प्लेट में निकाल लेंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो इधर हम तुलसी का पत्ता लिए, एक दो पानी से पहले इसको अच्छे से हम साफ़ कर लिए। ये डंठल थोड़ा ना, मतलब ज़्यादा टाइट नहीं है, इसीलिए हम इसको भी पीस दिए। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इधर इसको भी थोड़ा पीस लें, उसमें पानी नहीं डालना है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा मोटा दरदरा पीस लेना है। पत्ते को डाल देना है जार में और तीन चार बार ऐसे ही घुमा देना है। बस पत्ते का पेस्ट भी तैयार नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही पीस के तैयार कर लेनी है। और इधर हम चीनी को डालें, एक कटोरी से थोड़ा कम। एक कटोरी बुरादा लिए हैं तो आधा कटोरी से थोड़ा ज़्यादा हम चीनी डाल दिए हैं और आधा कप के करीब पानी डाल दिए हैं। इधर चाशनी की हम तैयारी कर रहे हैं। और इधर हम जो पीसे थे तुलसी का पत्ता, इसमें हम मूंगफली को भी थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच ऐसे ही फ्राई करके इसको दरदरा पीस के इसी में डाल दिए हैं। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकती हैं फ्रेंड्स, लेकिन हम सोचे इसमें डाल देते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 2 चम्मच के करीब हम वही फ्राई किया हुआ जो नारियल का बुरादा रखे थे उसको भी हम डाल देंगे और तीनों चारों चीज़ को हम अच्छे से मिलाएंगे। और ये जो चाशनी बना रहे हैं ना, 1-1.5 चम्मच इसको भी उसमें मिला देना है। ये तो हमारा तुलसी के पत्ते का सामग्री सारा चीज़ डाल के तैयार करके एक साइड में रख लिए हैं। और इधर हम जो चाशनी बनाए थे उसको हम अच्छे से चाशनी तैयार कर लेंगे। एक ताड़ की भी चाशनी तैयार नहीं करनी है, बस ऐसे ही थोड़ा सा चिपचिपा लगे तो गैस को बंद कर दीजिए। और ये भी अच्छे से देखिए बन के रेडी हो रहा है। फिर इसको हम एक प्लेट में निकाल के ऐसे ही थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दिए थे और इसमें फूड कलर थोड़ा सा डाल दिए हैं। येल्लो फूड कलर है हमारा, आप चाहे तो किसी भी कलर में बना सकती हैं, लेकिन हमें कृष्ण भगवान के भोग के लिए बनाना है, वो भी जन्माष्टमी में, तो येल्लो कलर ग्रीन कलर तो होना ही चाहिए। तो इसीलिए हम इसको अच्छे से येलो कलर ही डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, ऐसे ही आपको गोला बना के तैयार कर लेनी है। और इधर तुलसी पत्ता जो पीसे थे इसका भी हम एक बाउल के तरह बना लेंगे। जितने भी बनाने हैं आपको फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। और इसी के बीच में भर देंगे, बीच में डाल देंगे और अच्छे से चारों साइड से इसको हम ऐसे ही दाब के अच्छे से तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो किसी भी शेप में बना सकती हैं, गोल चाहे तो गोल बना लीजिए, लेकिन हाँ, इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी भी कहिए फ्रेंड्स। तुलसी का पत्ता है ना, तो खाने में भी अच्छा लगता है। मैं भी ये पहली बार ही बनाई हूँ, लेकिन आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यदि आप पहली बार बना रही हैं तो बना के आपका मन खुश हो जाएगा। किसी भी शेप में आप इसको बना सकती हैं। देखिए, हमारा एकदम बन के रेडी हो गया है कृष्ण भगवान के भोग के लिए। एक बच गया था तो इसको भी हम बीच में रख दिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी। प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे।